तो स्वागत है दोस्तों आप सभी के मेरे एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, मैं बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इसको खुशी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज पूरे 24 साल बाद हम अपना सर मुड़वा रहे हैं। और काफ़ी घर वालों के कहने के बाद कि इतना दिन हो गया, इतनी गर्मी है, तुम बाल क्यों नहीं छिलवा रहे हो, तुम आज बाल छिलवा लो। हम बोले कि चलो ठीक है, इतना दिन हो गया, क्योंकि सन 2000 के करीब हमारे बाबा जी का देहांत हो गया था, तो उसी टाइम अपना बार मतलब हम मुंडन करवाए थे। और तब से अब तक मतलब हमको अपने बालों से इतना प्यार है कि मैं इसको मतलब छोटा भी नहीं रखता हूँ, मतलब अपने फेस के हिसाब से हमेशा रखा हूँ। तो अब हम बाल छिलवाएंगे क्योंकि भाई घर से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और हमको भी जब से मैं एक बार बाल बढ़ा चुका था इतना बड़ा बड़ा, तो तब से बाल मतलब सही से मैं नहीं झाड़ पाता था। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं भी ट्राई करके देखूँ कैसा लग रहा है। तो अभी बहुत दुख हो रहा है, तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए और आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि बाल मैं अपना कैसे मुंडन करवाता हूँ। और अभी अपने दोस्तों से भी बात कराऊँगा और पूछूँगा कि अगर मेरा सर मुंडन होता है तो मैं कैसे लगता हूँ। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए। देखिए हमारा एक टकला फ्रेंड है आका है, जो आ रहे हैं, यही बाल छिलवाए हैं। ब्लॉग बन रहा है, बताइए कुछ हाँ? कैसा महसूस हो रहा है कपार छिलवा के? बहुत नर्मदा गर्मी महसूस नहीं हो रही। हमारे सुजीत सर कल छिलवाने वाले हैं अपना बाल टकला मुंडा। अच्छा, कैसे लगेंगे हम बताइए? आप काफी दिनों के बाद छिलवाएंगे तो आप लगेंगे अच्छे ही लगेंगे। अच्छे लगेंगे, 24 साल भाई, 24 साल। आका जी देखिए वो आगे आगे राह दिखा रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। मैं विनीत भाई, चलिए कल मिलते हैं बाल मुंडन करवा के। कल मिलिए, हम तेल उल में रखेंगे मालिश करने के लिए, ठंडा तेल रखेंगे। कब छोटी खेला जाएगा, चला जाए। देखिए दोस्तों हमारे साथ में आ चुके हैं कटप्पा के भाई चटप्पा। अरे नहीं, क्या नाम पड़ेगा? अरे विनीत सिंह। अरे आप तो पहचान ही में नहीं आ रहे हैं विनीत भाई। छकास लग रहा है विनीत जी, क्या कहना चाहते हो, कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारा सर ठंडा अरे हम वादा किए थे, लेकिन क्या करे, हमारे सरफराज जो है ना, हमारे आका, तो काम गड़बड़ा दिए, तो आज बाल हम छिलवाने वाले थे। तो देखिए हम लोग, हम बड़े भैया और विनीत थे, हमारे जो है बड़े भैया हैं, और भाभी का तो पता नहीं कब तक लाएंगे, लेकिन बड़े भैया हैं। तो ये दिखा दिया, आगे आगे मार के दिखा दिया, अब हम भी अपना बाल छिलवाएंगे। और ये भी 24-20 साल बाद छिलवा रहे हैं, हम 24 साल बाद छिलवा रहे हैं, और हमारे भैया बड़े भैया 15 साल बाद छिलवा रहे हैं। तो देखिए सब लोग मतलब लगभग बराबर। ये दोस्तों ये हमको लेकर जा रहा है, इसका नाम क्या है, इधर देखो क्या नाम है, नवनीत संगम। देखिए नवनीत संगम लेकर जा रहा है बाल छिलवाने हमको। रो आई आ रहा है, मेरे बाप 24 साल बाद छिला जाएगा। कहीं का गुस्सा बढ़ रहा है, कहीं का लिए सब लोग मिलकर हमारे आगे पीछे लग गए बाल छिलवाने के। काट के फेंकूंगा, जितना बाल छिला जाएगा ना सब लोग को काट के फेंकूंगा, बाद में हिसाब लोग इन लोगों का। चलता हूँ अभी सुरजीत से मिलता हूँ। दोस्तों देखिए हमारे बाल के दुश्मन ये सुरजीत, खुद तो टकले हो चुके हैं और हमको भी क्या करे, मुंडन कर रहे हैं यार, बहुत रुआई आ रही है देख के। नूने संगम कैसा लग रहा है जी? चलो भैया अब क्या कर पो? देखिए दोनों भाई मिलकर हम लोग दोनों भाई लोग को टकला बना रहे हैं, लेकिन उसमें के एक टकले नहीं है। देखते रहिए कैसे बाल, कभी देखे नहीं है कि बाल उतरने के बाद कैसे दिखते हैं, बाल उतरेगा देखेंगे पूरे 24 साल बाद। तो आप सब बने रहिए। Thank you.
पास हो गए है टकरू ऑफ द ईयर का आवाज। तीनों टकरू थोड़ा देखो वीडियो में, देखो दर्शकों से हाय करो। हे गाइस गांधी जी वी आर बाल्ड। ये टकला स्मार्ट लग रहा है, टकला बकरो लग रहा है, वो भी टकला स्मार्ट लग रहा है। सबसे खूबसूरत तो हम ही लग रहे हैं अंग्रेजों की तरह, छिला गया लुकिंग लाइक इंग्लैंड। मेरे बचपन का दाग जो है सामने आ गया है राजदूत वाला। और हमारा तो ये नेचुरल टीका है। हाय मम्मी जी। नेचुरल टीका नहीं, मुकर की है।